हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। कैसे हो गाइस आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो भाई लोग, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ व्लॉग बना रहा है, तो नहीं तो मैं बता दूँ कि ये आनंद नगर का चौराहा है, ये हनुमान मंदिर। तो अभी ये भाई ये दिख रहा है इधर, ये मिलन। मैं एक काम पे जा रहा हूँ अभी, तो मतलब मैं बाहर निकला था, उसमें भाई ने पकड़ा मुझे और बोले कि चल, बोले आते चौराहे तक। और भाई बहुत लेट हो गया, वैसे तो हमें 10:30 का टाइम दिया था, मतलब 11:30 का टाइम दिया था, हमें पहले निकल जाना था। तो जो भी जहाँ जा रहे हैं हम लोग, आप लोगों को बताएंगे कैसा क्या सीन है, क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले, ठीक है। तो अभी इसका काम है कोई पार्सल भिजवाना है इसे, कोई बस आ रही है तो पार्सल भिजवाएगा। उसके बाद मैं जाऊँगा रूम, बैग में पैक वैक कर लिया हूँ, खाना वाना नहीं करा नहीं हूँ, करना है तो घर जाके खाना वाना पैक करता हूँ, उसके बाद में निकलते और आगे जाके आप लोगों को बताते क्या क्या सीन है, ठीक है। तो भाई का पार्सल हो जाए। होगा देखेंगे हम। सो फाइनली भाई लोग, हम लोग आ चुके हैं खेत में, जंगल में मंगल करने के लिए। झूठ बोल रहा है। तो अभी हम लोग चार लोग आए हैं, राघव और सरू और प्रशांत भाई। अभी एक और जन आने वाला था, मतलब रोहित, पर वो आज नहीं आ पाया। हम लोग जा रहे हैं किस चीज़ का, क्या करने जा रहे हैं बताओ थोड़ा। अरे मैं क्या बताऊँ। हाँ, वर्मी कंपोस्ट पे प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, दो तीन दिन का रहेगा और उसमें फिर सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट मिलेगा। वैसे तो नॉर्मली मैंने साथ के मैंने कर लिया हूँ वैसे ये सब चीज़ें, जैसे कि वो हो गया, खाद हो गई और क्या बोलते मटका खाद हो गई, ये सब चीज़ें बहुत बनाए हम लोग ने 11th क्लास में। 12th में तो कॉलेज स्कूल ही नहीं लगे थे इसके कारण। तो अभी भाई लोग खड़े पीछे और भाई नज़ारा देखो, हरियाली हरियाली, आय हाय, मतलब इतना सुकून, इतना सुकून, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक, इतना सुकून ना कहीं नहीं आता गांव से ज़्यादा, ठीक है। तो अभी देखते क्या क्या लाइन है। वैसे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, मस्त देखो तुम्हारा भाई चप्पल पे आया है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गोबर और गोमूत्र और मिट्टी बहुत सी चीज़ें होने वाली जो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो चलते आगे, चलो चलो चलो, कॉल आ गया और अभी थोड़ा टाइम है, अपन लोग पहुँचते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी चलो। फाइनली अभी गांव में पहुँच चुके हैं, कुछ रास्ता नहीं मिल रही हमें, दुकान मिली है, दुकान में चॉकलेट वकलेट ले रहे हैं। नहीं नहीं बढ़िया भाई, देखो कितने स्मार्ट दिख रहे तुम लोग, चॉकलेट एक की चार, एक की चार। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं लामा खेड़ा, क्या
क्या पता कौन सा गांव में आए हैं भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, जगह ही नहीं मिल रही हमें। वो वहाँ खड़े हैं उन लोग। रोहित आता ना, रोहित तो मज़ा आता है यार, वो साला चला गया। हम लोग आए, अभी बताता हूँ कहाँ है, एक मिनट बस। क्या लिखा है, रासला खेड़ा। देखो भाई यहाँ पे मस्त गाय वाय है, बढ़िया मस्त बैठे है। देखो वो लिखा वहाँ पे, वो दिख रहा है वहाँ पे, रासला खेड़ा, खेड़ी, रासला खेड़ी। हाँ रासला खेड़ी है, वहाँ पे आए हैं भाई। और व्यू तो बढ़िया मस्त, मज़ा आ रहा है। गाड़ी में घूम रहा है बस। तो दिक्कत ये है, हमें जगह नहीं मिल रही है। वो मैडम ने जो लोकेशन भेजी है, गांव का ऐसा सीन है कि मतलब पैदल 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 वाली रास्ता अलग बताएंगा, कार वाली अलग बताएंगा, बाइक वाली अलग बताएंगे। तो अभी देखते हैं, मैडम भेज रही है। उन लोग भाई लोग वहाँ खड़े, परेशान हो गया भाई, परेशान भाई। ब्लॉग बंद करा बोले इनका। वो ट्रैक्टर आ रहा अच्छी स्पीड में, जस्ट लाइव। सरो सरो ओए सरो, बैग और वो बैग, अपन बैग के पास भी चलेंगे, ठीक है। ये तुम लोग के बैग में इसने बनाया था, इसमें मॉइस्चर वो सर चलेगा तो बहुत कम हो गया। तो पानी में कितने टाइम में डालना पड़ता है भैया, जब मॉइस्चर पैक करके डालो भाई, इसका कोई वो नहीं है। लेंथ हाइट कितनी होगी इसकी, एक फीट तक गया होगा थोड़ा सा। तो ये गड्ढा है नीचे, गड्ढा है भाई, मुझे लगा ऐसे दिखती है। नहीं भाई मेरा इतनी निकाल के क्या करेंगे, नहीं तो ऊपर ऊपर एक फीट तो बोला है ना उन्होंने, हर कहीं तीनों इसमें एक एक फीट रहा है। हाँ वाउंस बहुत नीचे जा चुके हैं, फाउंडेशन में कुछ है। तो बैक का क्या, देखो है ये हमारे टाइम में वो वाला सिस्टम है, देख कट है एयरेशन के लिए। इसमें नीचे का नोजल भी होता है, ठीक है, जिससे वॉशिंग वॉश निकलता है। और जो ये जितनी भी नेट होना है, ये एयरेशन जितना अच्छा होगा उसकी एलई मल्टीप्लाई होगा। अच्छा बढ़िया, ये बैग वो पेट। फाइनली भाई लोग अभी मैं आनंद नगर पहुंच चुका हूँ भाई, ये तो शुरू होते खत्म हो गया यार। रोड पे हूँ तो अभी सीन ऐसा है कि हम लोग गए थे, आज पहला दिन था, जैसे कि आप लोगों ने देखा कुछ नहीं बताया, मतलब कि मतलब प्रैक्टिकल नहीं हुआ, प्रैक्टिकल कल से होगा। तो आज सिर्फ बेसिक चीज़ें समझाई है, मतलब गोबर कितना डालना है, कीचड़ कितने डालना है, कितने दिन में खाद होती है, ये सब चीज़ें प्रोसेस उसका बताया। कल से प्रैक्टिकल चालू होगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये ब्लॉग को यहीं एंड करूँ, कोई यहीं एंड करूँ, या तो फिर इसको तीन दिन तक चलेगा हमारा प्रैक्टिकल, तो तीन दिन तक लेके जाऊँ, देखते हैं ऐसा हो सकता है वैसा करते हैं। अभी तो घर जाता हूँ, अभी बज चुका है 3:30 हो गया, और उसके बाद मुझे काम पे भी जाना है, तो सीन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो देखते हैं क्या सीन होते हैं। अभी तो घर जाता हूँ और खाना वाना खाता हूँ, थोड़ा सा थोड़ा खाना वहाँ खाया, थोड़ा घर पर जा कर खाऊँगा और फिर देखते हैं। सो फाइनली भाई लोग अभी मैं सो के उठा था, मतलब बहुत टाइम हो गया, मैं अभी उठा, मुँह हाथ धुलाऊँ, कपड़े उतार रहा हूँ, कपड़े चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। और भाई लोग अभी तो जैसे कि मैं अभी जा रहा हूँ काम पे, सीधे सी बात मैं ये बता दे रहा हूँ, मैं काम पे जा रहा हूँ। और जो वर्मी कंपोस्ट जो बनाने के लिए गए थे हम लोग, वहाँ पे जो जो चीज़ हुई थोड़ा बहुत आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। मतलब आज हमने सिर्फ मतलब उनने बेसिक चीज़ ही समझाई है कि क्या क्या डलता है और कितने दिन यूज़ करा जाता है, जो कि आप लोगों को मैंने बताया था, और कितने दिन में मतलब वो तैयार हो जाता बनके। मतलब हम लोग सीधी सी बात है, हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसका हमको सर्टिफिकेट मिलेगा जो हमें जॉब में इंटरव्यू में काम आने वाला है, सीधी सी बात ये है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और अभी एक भाई और नहीं आया है, रोहित भाई, तो देखते मतलब जब लास्ट दिन रहेगा उस दिन भी मैं व्लॉग बना लूँगा, तो वो दिन मज़ा आ जाएगा। और क्या, आज नहीं आया तो आज थोड़ा कम मज़ा आया, आज हम लोगों को रास्ता ही नहीं मिल रही थी, अब तो रास्ता मिल चुकी है। तो मतलब भाई बहुत पूरा गांव घूम लिया, आंटी लोग कोई काम कर रही, बोले बेटा इधर कहाँ जा रहे हो, इधर कहाँ जा रहे हो, फिर आंटी बोलती बेटा इधर नहीं उधर है, मैं तो पागल हो गया था भाई। फिर जस्ट मिला, फिर थोड़ा बहुत सर ने समझाया भैया ने, तो
अभी भाई लोग व्लॉग लेट ही आएंगे, मैं सीन बता देता हूँ। मेरे कोचिंग में भी पेपर हो रहे हैं, ठीक है, कोचिंग में पेपर अभी होंगे मतलब कल परसों से, और उसके बाद में मतलब दिसंबर के लास्ट में, और मेन पेपर फिर मतलब वो छोड़ दो, ठीक है, मेन पेपर भी हो जाएंगे लास्ट दिसंबर में, और हमारे कॉलेज के भी मिड सेम चालू हो गए, ठीक है, तो बहुत दिक्कत है। मिड सेम अभी मंडे से चालू है, मंडे से, तो इसलिए भाई लोग व्लॉग थोड़े लेट आएंगे या तो फिर बहुत कम आएंगे, ऐसे ऐसे मानो मिनी व्लॉग तो आ ही रहे, ठीक है, तो ऐसा सीन है। और जनवरी में फिर हमारे मेन पेपर चालू हो जाएंगे, अभी मिड सेम चालू है, फिर मेन पेपर चालू हो जाएंगे, तो थोड़ा एडजस्ट करके चला लेना भाई लोग। मेरी कोशिश तो ये रहेगी तो मैं व्लॉग बनाऊंगा। तो व्लॉग कैसा लगा आप लोगों का आज के, मस्त घूमे फिरे, और हमारा पेट्रोल भी ख़त्म हो गया था तो वो भैया लोगों ने लिफ्ट दी, वो तो मैंने वीडियो बनाई नहीं क्योंकि हमको जाना था जल्दी घर, हमको लग गई थी भूख, ठीक है। तो मिनी व्लॉग कैसा लगा अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मिलते और कमेंट भी करना, मिलते नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग के, तब तक के लिए।